कम्युनिटी में एक कहावत है, जब हमारे कम्युनिटी में जब बच्चा जन्मता है तो वो भी शुरू में होता है। तो हम मगना कम्युनिटी से सीखे, हमारे नजदीक आ जाओ, अपने घर की बात है, घर की ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हम अपने मतलब संस्थाओं से अंग्रेजी या अंग्रेजी चलती आ रही है या वो नहीं नहीं संगीत अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल ली यार बेटा, इतने से मेरा छोरा है दूसरा हिंदी भी नहीं बोल पाता। तो बेटे अब क्या कर रहे हो, नई क्या चीज आ रही है आपकी? नए हनीकाक बापू के बाद कार्टून सॉन्ग और रजनी सर की मूवी में अभी 2 महीने पहले सॉन्ग आया, साउथ इंडियन मूवी है बेटा, उसमें हमारा सॉन्ग आया और अभी एल्बम का। मतलब आप बेटा और बेटा के आसपास ही घूम रहे हो तो भाई सरदार भाई आप बताओ किस तरह से, आप तो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट भी लग रहे हो, गाने भी ऐसे तंदुरुस्त गाते हो, किस तरह से हानिकारक बापू ने आपको कितना फेम किया? जी पहले जसवीर बांडल के ऑडिशन हुए थे, इसमें हम 4 बच्चों को सिलेक्ट किया था। तो दो तो तुम अकेले थे या 3 अलग थे? बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा बॉडी इसकी अच्छी, इसलिए 4 जने सेलेक्ट हुए थे, 5 पांडव सेलेक्ट हुए थे, 4 जने सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद हम 2 सेलेक्ट किए। और तो देश का जब नाम करते हो इतनी दूर दूर जाते हो तो कैसा लगता है? देश का नाम तो मुझसे नहीं करना, अच्छा ही लगता है। नहीं नहीं, मेरे छोरे को मैंने कहा था मेरा नाम रोशन कर दे, उसने मेरे नेम प्लेट के नीचे बल्ब लगा दिया। तो आज हमारे साथ अब इन बच्चों से ही पूछना चाहते हैं कि और जो बच्चे कलाकारी करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे? दोनों भाई पहले सर्वर से पूछते हैं, सर्वर बता क्या करना चाहिए उन बच्चों को जो बच्चे कुछ नहीं जानते? कुछ ना, मतलब ऐसा नहीं है, हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है, वो अपने टैलेंट को मतलब बच्चे के अंदर तो टॉयलेट होता है टैलेंट फिर वो तो किस तरह का टॉयलेट भी होता है लेकिन टैलेंट भी होता है। जो टैलेंट जैसे मेरे हमारे अंदर है सिंगिंग का, तो हम पहले से उसके ऊपर मतलब बहुत रियाज करते हैं, वो पकड़ लेते हैं उसी फील्ड को। तो हमारे लाइन में अगर किसी को मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ाई के साथ मतलब पूरा जुड़ जाए उसके बाद। यार हमारे को तो पढ़ाई करते करते पर्ची करते करते पकड़ा करते तो टैलेंट को पकड़ते हो शानदार। तो सर आप बताओ आप क्या कहते हो कि किस तरह से जल्दी कोई आदमी फेमस होना चाहे और नया बच्चा इस फील्ड में आना चाहे तो क्या कहोगे? इधर देख के मेरे बाप जल्दी जल्दी। तो हर बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, वो बच्चा अपने टैलेंट दिखाए और उसके साथ पढ़ाई भी करे, उसके अंदर मतलब किस इतने शरीर में 9 द्वार होते हैं, वो टैलेंट किस उधर से निकाले उसको? 9 द्वार कौन से द्वार से निकाले उस टैलेंट को? मुंह से, कान से, नाक से? मुंह से। तो एक जोरदार गा के बताओ, दोनों भाई मिलके गाएंगे एक बढ़िया सा, वो एक लाइन बढ़िया। अरे वाह, आगे हमारे देश उम्र में इतने आगे जा सकते हैं। तो आप में से भी जो टैलेंट है वो इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके यूट्यूब पे जा सकते हैं और इन बच्चों की नेक्स्ट एक्टिविटी से जुड़ सकते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनके दिल की जो बात है आप तक जो जाननी चाहिए और ये नई नई चीज आपको लाते रहेंगे। इस वादे के साथ हम चाहते हैं कि बाहर सारे मिल के बताएं, कुछ कहना चाहें तो अपनी एक लाइन बच्चों के लिए, अच्छे टैलेंट के लिए, बच्चों के लिए, अच्छे टैलेंट के लिए। वो मतलब पिताजी को भी कह दो, बच्चे नहीं बाप में भी होता है टैलेंट। बाप में तो हम क्या बताए, बच्चों में जो टैलेंट है वो अपने टैलेंट जिस मतलब जो करना चाहते हैं उस पे जोड़ दीजिए और अच्छा कीजिए, ताकि हम लोगों ने हमें
जैसा ऐसे ऑडिशन वगैरह दिए, उसके बाद हम लोग आ गए, हमने भी मेहनत की, आप भी मेहनत कीजिए, अपने टैलेंट को बताइए, दुनिया को बताइए क्या बात है, आपके टैलेंट की भूखी है। क्या बात है बच्चों, तो आप में जो कुछ करना चाहते हैं और कब्जी आपको करने नहीं दे रही है और आपके टैलेंट के लोग क्योंकि उस कब्जी को दूर करें, पहले अपने को गुरु बनाएं किसी को अच्छे से अच्छे, ऐसे बच्चों ने भी गुरु का क्या महत्व होता है गायकी में आप बताएं सर। एक्चुअली जो जैसे गुरु का महत्व, आज हम जैसे पढ़ने जाते हैं तो हमें ऐसे घर में हमें सिखा लेते हैं ABCD, उसके बाद हमें मालूम नहीं होता क्या होता है। गुरु हर फील्ड में जरूरी होता है, जैसे सिंगिंग में हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी हम सब अगर गलत है भी वो सही कर रहे हैं, उसको थोड़ा भी गलती आ रही है तो वो निखारेंगे, बाकी लोग बाकी देखने वाले वो हमें तो शाबाश देंगे, वेरी गुड वेरी गुड। और आज इनके एक बहुत मशहूर शागिर्द जावेद साहब भी हमारे साथ हैं। जावेद भाई आपसे भी हम चाहते हैं कि आप CLC कोचिंग का जो नाम कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ गायकी में गिटार में क्या कहना चाहेंगे बेटा, दिल की बात कहें आप के मशो में आप शामिल। टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, बट जो पहले अपना पापा का और मम्मी का ड्रीम पूरा करूँ। मेरे पापा मम्मी चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूँ, इसलिए मैं CLC में जा रहा। मेरे पापा ने मुझे कहा है तू पहले डॉक्टर बन जा, फिर तेरे जितने भी सपने मैं पूरे करूँगा, तू करता रहना। तो मैंने पहले इस चीज़ को पकड़ाया था कि मैं इस चीज़ को पहले करूँगा, फिर मैंने अपना ड्रीम पूरा। क्या बात, किसी के काबिल हो जाऊँ फिर मैं अपने सपने। क्या बात है, तो बच्चों किस तरह से ये बच्चे मोटिवेट हैं, किस तरह से अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, चाहे वो म्यूजिक की पढ़ाई हो या कोई भी पढ़ाई हो। तो मिलकर सर से हम बात करते हैं, भाई अब कुछ लास्ट में कुछ कहें, नज़दीक से कह दें, ठीक है अभी खींच लेते बंद कर।